मैं सुजाता कुमारी, प्लस टू RRSO उच्च विद्यालय खरखुरा गया। आज हम गया गाइडेंस के तहत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में आप सबों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण किसे कहते हैं, शब्द विचार, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। आगे व्याकरण के बारे में आप लोग क्लास 7-8 से ही पढ़ती चली आ रही हैं, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको कुछ पुनरावृत्ति करने जा रही हूँ। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप बोलना, लिखना और समझना जानते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आगे व्याकरण की परिभाषा में आप ऐसे भी दे सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम उसके मानक रूप को निर्धारित करते हैं, ठीक है। आगे भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं, जो हम बोलते हैं। और भाषा की बनावट कैसे होती है, वर्ण शब्द से ही तो भाषा बनते हैं। अगर वर्ण नहीं हम जानेंगे तो शब्द कैसे बनेंगे, और शब्द नहीं बनेंगे तो वाक्य कैसे बनेंगे, वाक्य नहीं बनेंगे तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं, हमने अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकती हैं कि भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं। सीमित का मतलब जानती हैं कि एक सीमा में बंधा हुआ, ठीक है। और भाषा की अभिव्यक्तियां का मतलब होता है कि बोलने की, जो हम बोलते हैं, हमारी जो बोलने की क्षमता है, जो हम बोलते हैं वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे यहाँ अनेक तरह की बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। व्याकरण का एक एक नियम जो है, असंख्य जो बोलियां हैं उसको अपने नियंत्रण में रखती है। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हम जानेंगे व्याकरण के कितने भाग हैं, ठीक है। तो व्याकरण के तीन भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के ये तीन भाग हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ये आप लोग जानती हैं कि पहले वर्ण लेते हैं। वर्ण का मतलब जैसे स्वर वर्ण, आई, आप लोग पढ़े हैं आई, और व्यंजन वर्ण क ख ग घ, ये हैं। इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं, ठीक है। तो पहले ये वर्ण है, वर्ण के बाद शब्द बनते हैं और शब्द के बाद वाक्य बनते हैं। ये तीन भाग हैं व्याकरण के। तो वर्ण विचार के अंदर क्या पढ़ा जाता है, वर्ण के भेद, उनके उच्चारण और उनके स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है वर्ण विचार के अंतर्गत। और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, शब्दों के स्वरूप के बारे में जाना जाता है, ठीक है। आगे वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की बनावट
और उनके भेदों के बारे में जानकारी दी जाती है। अब हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे। मुझे ज्ञात है कि पिछली कक्षा में वर्ण विचार के बारे में बता दिया गया है, तो आज हम शब्द विचार को लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो शब्द विचार के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि शब्द क्या है। तो शब्द का अर्थ होता है ध्वनि या आवाज। जो हम बोलते हैं, जो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, उन्हीं से शब्द बनते हैं। और इसकी परिभाषा है एक या अधिक वर्णों के मेल से ध्वनि समूह जिसका कोई अर्थ आता है, निकलता है, उसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ जैसे चल है, तो ये चल जो है कैसे बना है? वर्ण की सहायता से ही बना। तो जब ये शब्द बनता है तो कैसे बनता है? वर्ण से। तो आप जानते हैं कि च जो है हमारा व्यंजन वर्ण है। ये तो शुरू क्लास से पढ़ा गया है कि च जो है व्यंजन वर्ण है और अ जो है ये स्वर्ण वर्ण है। तो इनके मेल से, इन वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। इसके बारे में विस्तृत इसके बारे में जानेंगे। एक अथवा अनेक ध्वनियों के संयोग से वर्ण बनते हैं। जो ध्वनि है, जो हम बोलते हैं, हमारे अंदर से जो आवाज आती है, तो उससे वर्ण बनते हैं। तो अनेक वर्णों के और अनेक वर्ण जो है व्यवस्थित होकर शब्द बनते हैं। वर्णों के संयोग से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, उसे शब्द कहते हैं। वस्तुतः वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अब यहां आप जानिए कि सार्थक का मतलब क्या होता है। यहां जो शब्द है उसको समझना तो जरूरी है। स्वतंत्र का मतलब जान गए कि वो स्वतंत्र है। ठीक है। यहां सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ जिसका निकलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। उसको हम सार्थक ध्वनि कहते हैं। वस्तुतः वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। शब्द को निम्नलिखित आधारों पर चार भागों में बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा,
तीसरा यहाँ शब्द को ये निम्नलिखित आधारों पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा बनावट के आधार पे, तीसरा प्रयोग के आधार पे और चौथा अर्थ के आधार पे। तो आज हम उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर इसके भेद हैं तत्सम, दूसरा तद्भाव और तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर शब्द। तो हम आज तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशज और संकर शब्द के बारे में जानेंगे। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो है तत् जोड़ सम दो शब्दों से बना है। तत्सम शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। हमारी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं। तो यहां तत्सम में कहा जा रहा है कि तत्सम शब्द जो है दो शब्द से मिलके बना है, तत् जोड़ सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। अर्थात ज्यो का त्यों, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। वो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हिंदी में उसको प्रयोग किया जाता है, उसको लगाया जाता है, उसको डाला जाता है, तो वो शब्द हैं तत्सम शब्द। वो उसी रूप में आ जाते हैं। जैसे वायु, जैसे वायु, ठीक है। वायु का मतलब हिंदी में क्या होगा? वायु का मतलब आप हिंदी में इसको लिख देती हैं हवा। ये संस्कृत का शब्द है तत्सम शब्द में। और दूसरा अग्नि, अग्नि इसको हम क्या कहेंगे? आग। आम्र, आम्र उसको हिंदी में आम बोलते हैं, तद्भव रूप उसका आ जाता है। मात्री, माता, दिवस, दिन, ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं और वे वही तत्सम में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो अपने रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आगे हम तद्भाव के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलके बना है, तत् जोड़ भव।
तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलके बना है, तत् जोड़ भव, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, यहां कहा जा रहा है कि किससे उत्पन्न, तो इसका तात्पर्य हुआ कि संस्कृत से उत्पन्न। तद्भव शब्द के बारे में, जो शब्द संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर, जो शब्द संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अभी हम यहां आप लोगों को बता रहे थे, जैसे ये दधी है, ठीक है, तो आज इसका क्या तद्भव रूप में है, क्या होगा, दही। संस्कृत के रूप में क्या था, दधी, आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे। खेत, क्षेत्र से खेत। हाथी, हस्ती से हाथी। दधी से दही, क्षेत्र से खेत और हस्ती से हाथी। ये तत्सम के तत्सम शब्द बिगड़ के हिंदी में प्रयुक्त हुए। और दूध से दूध, दुग्ध से दूध। अब आगे कुछ अन्य उदाहरण है तत्सम के, इसको मैं यहां आप लोगों को बता देती हूं। तद्भव, अंगुली, अंगुली, अंगुली का उंगली, दिवस, दिन, कोकिल, कोयल, आम। ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं। अंगुली जो है उंगली हो गया तद्भव रूप में, ये संस्कृत का रूप था, ये बिगड़कर हिंदी में जब आए हैं तो उंगली हो गया। दिवस तत्सम शब्द है, ये आके तद्भव में दीन हो गया। कोकिल, कोयल को बोलते हैं, यहाँ कोयल शब्द आ गया। दंत, दंत का क्या हुआ तद्भव, दांत, आम्र का आम। अब हम आगे देशज शब्द के बारे में जानेंगे। देशज शब्द, देशज शब्द, पहला हम लोग तत्सम के बारे में जानें, दूसरा तद्भव के बारे में जानें, अब तीसरा देशज के बारे में जानेंगे। तो देशज शब्द जो है, देश जोड़ जा, इसका मतलब हुआ कि देश में पैदा होने वाला, देश में जन्म लेने वाला। देश जोड़ ज किए तो देश में जन्म लेने वाला। देश में पैदा होने वाले शब्द के बारे में, देशज शब्द के बारे में हम जानेंगे।
जो शब्द संस्कृत भाषा से कोई संबंध नहीं रखते हैं। ये देशज शब्द जो हैं, देश में पैदा हुए, इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ये हमारी देश में प्रचलित जो बोली जाती हैं बोलियाँ, उनसे ली गई हैं। जो हमारी आम बोलियाँ होती हैं, हर एक क्षेत्र की, हर एक भाषाएं की जो बोलियाँ होती हैं, उससे इसको लिया गया है। तो उसको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, जैसे लोटा, खटिया, ये सब हमारी देश में बोले जाने वाली प्रचलित जो बोलियां हैं उनसे ली गई हैं। जूता, झाड़ू, खटखटाना, ये सब देशज शब्द हैं। देश में जन्म लेने वाली ये बोलियां हैं। और यहाँ जो हमारे भाषाएं हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, उनसे ये बने हैं देशज शब्द। अब आगे हम विदेशज शब्द के बारे में जानेंगे। विदेशज शब्द विदेशज के बारे में जानेंगे तो आप लोग ध्यान दें, यहाँ बी का मतलब ही होता है अन्य। बी का मतलब अन्य, दूसरे देश की भाषा, जिसको हम विदेशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, अर्थात विदेशी मूल के हैं, लेकिन परस्पर संपर्क के कारण हमारे यहाँ प्रचलित हो गए हैं। हमारे देश में अनेक विदेशी आए, मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, सब लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उनकी भाषा जो है हमारी भाषा से मिल गई, तो उन्हीं भाषाओं को प्रचलित हो गए वे भाषाएं, और उनको आगत शब्द, विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशज शब्दों से कुछ को ज्यों का त्यों ले लिया गया है। कुछ जो शब्द हैं विदेशज, उनको ज्यों का त्यों ले लिया गया है, और कुछ का हिंदीकरण करके अपनाया गया है, उसको हिंदी में रूपांतरित करके अपना लिया गया है। जैसे मास्टर, डॉक्टर, अब गुरुजी तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं, ज्यादातर मास्टर साहेब हथी, तो ये विदेशी भाषा है, उसको यहाँ अपना लिया गया है। और पिस्तौल, पिस्तौल भी है, ये विदेशी भाषा। जो शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, उन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। हर एक भाषाएं से हमारे यहाँ आए, अंग्रेजी से आए, अरबी से आए। अरबी शब्द से जैसे औरत, औरत, ये क्या शब्द है? ये अरबी शब्द है। वकील, फकीर, ये सब अरबी शब्द हैं। फारसी के भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्द हमारे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे किताब, फौज, फौज, दरबार, ये सब फारसी के शब्द हैं। तुर्की के शब्द हैं, तुर्की के भी शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द यहां हैं।
तुर्की के शब्दों में है, जैसे कुली, तोप, बेगम। ये तुर्की के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द भी हैं। पुर्तगाली शब्द हैं तो पुर्तगाली शब्द में है कमरा, पिस्तौल, साबुन। तुर्की के पुर्तगाली शब्द हो गए। फ्रांसीसी शब्द हैं, जापानी शब्द हैं। जापानी शब्द में है रिक्शा। ये आम बोलचाल की भाषा में हम लोग अपनाए हुए हैं, रिक्शा ही बोलते हैं। और फ्रांसीसी शब्द में कार्टून, अंग्रेज कूपन, अंग्रेज कूपन। ये विभिन्न भाषाओं के द्वारा हमारे यहाँ जो भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं, बोली जा रही हैं, उसके बारे में मैं यहाँ बताई। संकर शब्द, अब हम संकर शब्द पांचवा जो है संकर शब्द के बारे में जानेंगे। संकर शब्द, संकर शब्द क्या है? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। अलग अलग भाषाएं, जैसे उदाहरण के तौर पर रेलगाड़ी, यहाँ रेल जो है वो क्या है? रेल अंग्रेजी शब्द है। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तो दो भाषाओं का मेल हुआ ना, एक तरफ अंग्रेजी और एक तरफ हिंदी, और यहाँ हम लोग उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन भाषाओं को क्या कहेंगे हम? संकर शब्द। इन्हें हम संकर शब्द कहेंगे। टिकट घर, इसमें भी वही है, टिकट है प्लस घर है। डबल रोटी, दो भाषाओं का मिश्रण है, इसे हम संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जिन शब्दों की रचना हुई है उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अब हम जानेंगे हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। रचना का मतलब जानती है ना, कि जैसे हम कुछ लिखते हैं तो उसको हम कई तरह से लिखते हैं। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। शब्दों के अंत में या शब्दों के आगे जोड़कर शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना, इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। अब यहाँ आप
जाने शब्दांश। शब्दांश इसका मतलब होता है शब्द का अंश। कुछ वैसे शब्द आते हैं उसके बारे में जानने से सुविधा हो जाती है। तो अब हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो उपसर्ग में इसकी परिभाषा जो उपसर्ग की है कि इसमें मूल शब्द के आगे जो शब्दांश लग के बनते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लग कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ले आता है, उसमें बदलाव ले आता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, मूल शब्द, मूल शब्द और शब्दांश। मूल शब्द, शब्दांश, शब्दांश नया शब्द, उपसर्ग जानने के लिए। जैसे मान है, मूल शब्द मान है। एक चीज आप जान जाइएगा कि उपसर्ग में मूल शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए, ये आप जान लीजिए। अगर मूल शब्द का अर्थ नहीं निकलता है तो आपका उपसर्ग सही नहीं होगा। तो इसमें मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो ये मान का अर्थ क्या होता है? इज्जत। क्या होता है? इज्जत। और इसमें अगर हम अप उपसर्ग लगा दें तो क्या शब्द बन जाएगा? अपमान। यहां अपमान जो शब्द बना है, तो ये जो मूल शब्द है मान, इसका भी अर्थ आना चाहिए। ये उपसर्ग की विशेषता है कि इसमें मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा है ईमान। ईमान इसका अर्थ होता है सच्चाई। ठीक है, इसका अर्थ होता है सच्चाई। अगर हम इसमें शब्दांश जोड़ देते हैं, उपसर्ग जोड़ते हैं बे, तो नया शब्द क्या बन जाता है? बेईमान। नया शब्द बेईमान बन जाता है। तो यहां जो मूल शब्द ईमान है, इसका अर्थ निकल रहा है। इसका क्या अर्थ निकलता है? ईमान का मतलब सच्चाई, सच्चाई। और बेईमान का मतलब सच्चाई नहीं है, ये सच्चा नहीं है, कुटिल है, गमन। गमन का अर्थ होता है जाना। अगर इसमें हम शब्दांश उपसर्ग जोड़ देते हैं आ, तो ये बन जाता है नया शब्द आगमन। शब्द में परिवर्तन होता है, इसकी परिभाषा में ही पहले बता चुके हैं कि उपसर्ग में मूल शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए। और मूल शब्द में अगर शब्दांश जुड़ते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। गति, मूल शब्द क्या है? गति। अब गति मूल शब्द है और इसमें अगर हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो ये क्या बनेगा? प्रगति। यहां भी
मूल शब्द जो गति है उसका अर्थ निकल जा रहा है, और यहाँ मूल शब्द गति है और प्र शब्दांश उपसर्ग लगा है। धर्म इसका अर्थ होता है ईश्वरीय उपासना धर्म का। अगर इसमें हम अ उपसर्ग लगा देते हैं तो ये हो जाता है अधर्म। अर्थ में परिवर्तन हो गया, मूल शब्द का भी अर्थ निकल गया। ये उपसर्ग के बारे में आप लोग जाने। अब उपसर्ग के भेद के बारे में जानेंगे। उपसर्ग के कितने भेद हैं? उपसर्ग के भेद, उपसर्ग जाने, अब उपसर्ग के भेद के में जानेंगे। हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन? संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा आगत उपसर्ग विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। और विदेशी उपसर्ग को आगत उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग के बारे में हम जानेंगे। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तत्सम उपसर्ग, ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं ये उनके साथ जुड़ते हैं, उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे जैसे अधि, अधि इसका क्या अर्थ होता है? अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधि का क्या अर्थ होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे यहाँ अधि है तो अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और इससे शब्द जो बनते हैं अधि का, तो यहाँ आपका मूल शब्द यहाँ दिया हुआ है का और अधि उपसर्ग लगा हुआ है, मूल शब्द का भी अर्थ निकल रहा है। उसी तरह से अधिनियम है तो अधि है उपसर्ग, उससे नियम का भी अर्थ यहाँ निकल रहा है। आगे अति है तो अति का अर्थ होता है अधिक, तो यहाँ अत्यधिक, अत्यधिक और अत्याचार, ये शब्द जो हैं अत्य लग के अति लग के यहाँ ये उपसर्ग बन रहा है। आगे अ है, अ से इसका अर्थ होता है अधिक नहीं अभाव, तो यहाँ बन रहा है इसका उपसर्ग के साथ बन रहा है शब्द अधर्म अज्ञान अहिंसा अमर। अनु, अनु है यहाँ उपसर्ग, इसका अर्थ होता है पीछे समान,
इससे ये शब्द बन रहा है अनुशासन, अनुकूल, अनुसार। कहने का मतलब है कि कहीं भी उपसर्ग लगे तो उसके मूल शब्द का अर्थ जरूर निकलना चाहिए, नहीं तो आपका उपसर्ग गलत हो जाएगा। अब हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग के बारे में भी आप लोग जान जाइए। हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी में जो उपसर्ग आते हैं उन्हें तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे उपसर्ग है यहाँ अन, अर्थ इसका होता है अभाव या निषेध, नया शब्द बनता है अनपढ़, अनमेल, अनहोनी। दूसरा है अध, अध का अर्थ होता है आधा और नया शब्द बनता है अधपका, अधखिला, अधमरा। उसी तरह से यहाँ उपसर्ग है उन, उन का अर्थ होता है एक कम, 19, 29, 59। आ जो है इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध, और इससे जो शब्द बन रहे हैं अथाह, अचेत, अछूत, अकाज। ध्यान रखिएगा मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अब हम आगे विदेशी उपसर्ग के बारे में जानेंगे। विदेशी उपसर्ग, इन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। विदेशी उपसर्ग को आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ गैर, गैर का अर्थ होता है निषेध और उससे शब्द बनते हैं गैर हाजिर, गैर सरकारी। खुश, दूसरा उदाहरण खुश, खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा, और यहाँ नए शब्द बनते हैं खुशबू, खुशखबरी, खुशमिजाज। बे, बे उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बिना और रहित, और इससे नए शब्द बनते हैं बेईमान, बेइज्जत, बेशक। दूसरा उपसर्ग है ना, ना का अर्थ होता है अभाव, नालायक, नकारा, नाराज। अब आगे प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग पहले जुड़ते थे और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि उपसर्ग जो है पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जोड़ आए। प्रति का अर्थ होता है साथ में, प्रति जोड़ आए इसका अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, और आए का अर्थ होता है बाद में। आय का अर्थ होता है चलने वाला, बाद में चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ उपसर्ग में पहले, उपसर्ग में पहले शब्दांश जुड़ते हैं और प्रत्यय में पीछे जुड़ते हैं। इसकी परिभाषा है जो शब्दांश वाक्य के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ खेल है और ये आड़ी है, तो खेल और ये जोड़ के आड़ी, तो यहाँ क्या बना, खिलाड़ी। खेल जोड़ औना, ये दोनों शब्द मिले तो खिलौना बन गया। भूगोल जोड़ एक, भौगोलिक। थक जोड़ आवट, थकावट। प्रत्यय केवल शब्दांश होते हैं
इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जिस तरह से उपसर्ग में मूल शब्द का अर्थ निकलता है, प्रत्यय में इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय के भेद के बारे में जानेंगे। अब प्रत्यय के भेद के बारे में जानेंगे। प्रत्यय के दो भेद हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें धातु में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का निर्माण करते हैं, ये ध्यान देना है। इनके प्रयोग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। धातु, जैसे ये धातु है भूल, इसमें प्रत्यय लगा अक्कड़, तो ये क्या बन गया? भूलक्कड़, घुमक्कड़। लूट है धातु रूप, यहां एरा प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? लुटेरा। इसमें पीछे प्रत्यय लगता है दिख लिख। आवट इसमें प्रत्यय लगता है तो तिखावट और लिखावट बनता है शब्द। भक्त, भक्त ती प्रत्यय लगा तो भक्ति बन गया। अश्व शास्त्र, तो इसमें ये नए शब्द बनते हैं अस्त्र वस्त्र शास्त्र। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायता करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जैसे क, यहां संज्ञा क्या है? श्रम, कृषि, तो नए शब्द क्या बना? श्रमिक, कृषक। ई है, ई तद्धित प्रत्यय है, तो पहाड़, चोर, खेत, ये संज्ञा, इससे नया शब्द बन गया पहाड़ी, चोरी, खेती। पा, पा है तद्धित प्रत्यय, तो बूढ़ा, मोटा, संज्ञा, और इससे नया शब्द बना, तो यहां पा जो तद्धित प्रत्यय पीछे लग के बुढ़ापा बन गया, मोटापा बन गया। आर, तो सोना और लोहा में आर प्रत्यय लग गया तो सुनार और लोहार हो गया। अब आगे अभ्यास है, आप लोग खुद ही अपने से कोशिश कीजिएगा। कुछ बनाया गया है अभ्यास प्रश्नों को, आप ध्यान दीजिएगा, उससे सीखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। बने हुए को ध्यानपूर्वक पुनरावृत्ति करके देखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।